हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इवोल्यूशनरी एविडेंस के बारे में स्टडी की थी, उसके कुछ एग्जांपल देखे थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट थियरी, व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन। ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड, देयर ही ऑब्जर्व एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स। डार्विन जब गैलापागोस आइलैंड पे चलने के लिए गए थे, वहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक बहुत ही अच्छी क्रिएचर डाइवर्सिटी थी, ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी थी। ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, स्मॉल ब्लैक बर्ड लेटर कॉल्ड डार्विन फिंचेस अमेज्ड हिम। वो आइलैंड पे ब्लैक कलर का स्मॉल बर्ड देखा। बाद में डार्विन ने उस बर्ड को डार्विन फिंचेस ने दे दिया। ही रियलाइज्ड दैट देयर वर मैनी वेराइटीज ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड। वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो जो बर्ड था उसकी बहुत सारी स्पीसीज थी, मीन्स ऐसे ही बहुत सारे फिंचेस की स्पीसीज थी, वेराइटीज थी उसी आइलैंड पे। ऑल द वेराइटी ही कंजेक्टर इवॉल्व ऑन द आइलैंड इटसेल्फ फ्रॉम द ओरिजिनल सीटिंग फीचर्स, मैनी अदर फ्रॉम विथ ऑल्टर्ड बीक्स अरोज इन एवरी देम टू बिकम इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन फिंचेस। मीन्स डार्विन ने वहाँ पे जो फिंचेस की बहुत सारी स्पीसीज देखी थी, वो सभी स्पीसीज जो है वो सभी बर्ड जो है उसकी जो बीक्स मीन्स चोंच जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये डार्विन फिंचेस है, ये फर्स्ट वाला जो पिक्चर है डायग्राम है उसमें ये बर्ड की चोंच बीक्स आप लोग देख सकते हैं, ब्रॉड है एंड लार्ज है। सेकंड नंबर के बर्ड है ये भी सेम ही वेराइटी है, तो उसकी जो चोंच है बीक्स है वो थोड़ी स्मॉल है, उसके बाद उससे भी छोटी है, उसके बाद लास्ट वन जो है वो लॉन्ग एंड स्मॉल है। ऐसे सेम फिंचेस थी लेकिन उसकी जो बीक्स जो है वो डिफरेंट थी। तो ये डिफरेंट बीक्स क्यों है, क्योंकि ये सभी जो चोंच है उसका फंक्शन डिफरेंट है। मीन्स कुछ जो बर्ड है वो फ्रूट खाते हैं, कुछ जो है वो सीड ईट करते हैं, कुछ जो है वो वेजिटेरियन है, कुछ बर्ड जो है वो इंसेक्टिवोरस है। इसलिए फूड जो है फूड वो फूड पे डिपेंड होता है, और कौन सा जो फिंस है बर्ड है वो कैसा फूड खाएगा वो उसकी बीक्स पे डिपेंड रहता है। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएशन टू अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। मीन्स यहाँ पे जो सभी जो बर्ड है उसका इवोल्यूशन हुआ है, डिफरेंट स्पीसीज में इवोल्व हुआ है, मीन्स ये सभी बर्ड जो है उसके एंसेस्टर को एक ही होना चाहिए, लेकिन हैबिटेट जो है वो सेम है, जियोग्राफिकल एरिया जो है वो सेम है, लेकिन एंसेस्टर को एक ही होगा, उसके बाद इवोल्यूशन हुआ होगा एंड सभी ऑर्गेनिज्म जो है बर्ड है वो डिफरेंट एरिया में स्प्रेड हुए होंगे। सो दैट इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। मीन्स हैबिटेट एक है, जियोग्राफिकल एरिया एक है, लेकिन इवोल्यूशन हो जाने के बाद ये डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हुए होंगे। डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फिनोमिनन। ये जो एडेप्टिव रेडिएशन है उसकी डेफिनेशन में हम लोग एग्जाम्पल, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो ये एग्जाम्पल है बीक्स ऑफ फिंचेस। फिंचेस जो है यहाँ पे डार्विन फिंचेस जो है उसकी बीक से हम लोग ये एडेप्टिव रेडिएशन का बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी बर्ड जो है वो दिखने में सेम है, साइज भी सेम है, सिर्फ उनकी जो बीक है उसे ही पता चलता है कि ये इनकी स्पीसीज जो है वो डिफरेंट है। अनदर एग्जाम्पल इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। अभी हम लोग एडेप्टिव रेडिएशन का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अ नंबर ऑफ मार्सुपियल ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर इवॉल्व फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक्स बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कंटिनेंट्स। मीन्स जैसे यहाँ पे हम लोगों ने आगे के एग्जाम्पल में देखा कि ये फिंचेस जो है वो सेम आइलैंड पे, लेकिन उसकी जो स्पीसीज जो है, वेराइटीज जो है वो डिफरेंट है,
और वो वेराइटीज़ कैसे पता चलेगी, तो उसकी बीक्स देख के पता चलेगी। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो है वो ऑस्ट्रेलियन आइलैंड पे ही है, उसके उसके जो एंसेस्टर है वो सेम ही होने चाहिए। वेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड इन अ आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट, वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का है। डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक कोई एंसेस्टर होना चाहिए ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का, उसका इवोल्यूशन होके डिफरेंट मार्सुपियल बन गए हैं। मीन्स ये आइलैंड पे कोई एक एंसेस्टर होना चाहिए और ये एंसेस्टर जो है उसका इवोल्यूशन होके डिफरेंट मार्सुपियल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल बन गए। तो यहाँ पे डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि यहाँ पे बन गया कोआला, मार्सुपियल मोल, सुगर ग्लेडर, टास्मानियल वॉल्फ, टाइगर कैट्स, बैंडन एंटेटर, मार्सुपियल रेड कांगारू, मार्सुपियल कांगारू, वॉम्बेट मार्सुपियल कांगारू एक्सेट्रा, बेंडिकोट्स, ये सभी हमें याद रखने, ये एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे ये एडेप्टिव रेडिएशन का दूसरा एग्जांपल है। प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन इन इवॉल्विंग इनटू वेराइटीज of such placental mammals, each of which appear to be similar to a corresponding marsupial. For example, placental wolf and Tasmanian wolf marsupial. Most important example है ये NEET and NEET exam के लिए and GUJSET exam and board exam में MCQs के लिए, placental wolf and Tasmanian wolf. अब हम लोग diagram में देख सकते हैं यहाँ पर ये Australian marsupial है and ये placental marsupial। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड पे मिले हैं एंड ये प्लेसेंटल मार्सुपियल जो है वे कॉमन है। तो हमें ये दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी देखने को मिलती है, जैसे कि लास्ट डायग्राम में वुल्फ एंड टास्मानियन वुल्फ, पिक्चर शोविंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मार्सुपियल। दोनों में ऑस्ट्रेलियन एंड प्लेसेंटल मार्सुपियल में बहुत सारे सिमिलरिटी हम लोग देख सकते हैं। तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि ये सभी जो ऑर्गेनिज्म है, मार्सुपियल है, ऑस्ट्रेलियन एंड प्लेसेंटल मार्सुपियल, उसके एंसेस्टर सेम ही होना चाहिए। तो ये थियोरी मीन्स एडेप्टिव रेडिएशन से हमें ये एक्सप्लेन करती है कि मोस्ट ऑफ जो एनिमल्स है, ऑर्गेनिज्म है, उन लोगों के एंसेस्टर जो है वो एक ही होने चाहिए, वो एंसेस्टर में से कन्वर्जन इवोल्यूशन हुआ होगा एंड वो डिफरेंट हैबिटेट में चले गए होंगे।